Hello friends, welcome to my YouTube channel Nikonomics. So today we are going to discuss about the revision of definition of MSMEs. आपने न्यूज सुनी ही होगी, हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कुछ चेंजेस किए हैं MSMEs के डेफिनेशन को लेके। सो आज के इस वीडियो में हम वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे कि क्या चेंजेस हैं और इन चेंजेस की रिक्वायरमेंट क्या है और ये चेंजेस का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी को किस वे में कर सकता है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वर्क। हाँ जी, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको चाहूंगा कि कुछ एक डिटेल आप ओवरव्यू ले लो कि एक्चुअली जो आज का टॉपिक है उसमें क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हम कवर करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज जो है ये कब स्टैब्लिश की गई, कौन से एक्ट के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। सेकंड जो थिंग हम कवर करेंगे इस वीडियो में, दैट इज व्हाट इज एमएसएमईज, एमएसएमईज एक्चुअली है क्या, इसके एडवांटेज क्या होते हैं किसी भी इकोनॉमी को और किसी इकोनॉमी के लिए इतना सिग्निफिकेंट रोल क्यों प्ले करती है, ठीक है। थर्ड विल ट्राई टू कवर गवर्नमेंट एड टू एमएसएमईज, जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है एमएसएमईज को, ठीक है। एंड देन रिवीजन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज, ठीक है, इसका मतलब जो चेंजेस हमारी गवर्नमेंट ने किए हैं वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो एमएसएमईज को लेके हुए हैं, ठीक है। एंड देन व्हाई कंपनीज वांट्स टू स्विच टू एमएसएमईज, जो कंपनीज है अपने आप को एमएसएमईज के अंडर क्यों प्लेस करना चाहती है, ठीक है। सो देखते हैं, सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दिए मैंने मिनिस्ट्री के बारे में कि मिनिस्ट्री क्या है, कैसे एस्टैब्लिश है और कुछ उसके पॉइंट्स। तो देखते हैं, पहला पॉइंट, द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट वॉज नोटिफाइड इन 2006। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक चीज नोटिस करनी है, जब भी किसी तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप या कोई मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश होती है तो उसके लिए एक एक्ट पास होता है पार्लियामेंट के अंदर, बिना एक्ट के कोई मिनिस्ट्री ऐसे स्टार्ट नहीं की जाती। तो उसी हिसाब से जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उसके लिए एक एक्ट पास किया गया था 2006 के अंदर, जिस एक्ट को क्या बोला गया, MSMED, ये एक्ट को बोला गया, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। डेवलपमेंट एक्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि एमएसएमई इंडस्ट्री को सेटअप करने का मतलब था, मोटिव था, कह सकते हो आप, कि जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, ठीक है, इनको बढ़ावा देना, इनको बेसिकली प्रमोट करना, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज, ये दो इंडस्ट्रीज हुआ करती थी पहले, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। कौन कौन सी, ये अगेन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जो मिनिस्ट्री है किसकी, एमएसएमई की, वो किसको मर्ज करके बनाई गई, तो किसको मर्ज करके बनाई गई, आपके पास दो चीजें, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज, इन दोनों को मर्ज करके हमने क्या बनाया, हमने मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बनाया। कब बनाया है, ऑन मे 9 मई 2007 में हमारी मिनिस्ट्री फॉर्म हुई, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर उद्योग भवन न्यू दिल्ली, उद्योग भवन न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। मिनिस्टर जो करंट है, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितिन जयराम गडकरी, ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर कौन है, श्री प्रताप चंद्र सारंगी, ठीक है। अब एक चीज आपने यहाँ पे थोड़ी सी देखनी है, जो एमएसएमई बनाई गई, जो इसकी मिनिस्ट्री बनाई गई, वो तो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आया, लेकिन एमएसएमई को प्रमोट करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, लेकिन फुल सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा सपोर्ट करेगी हर स्टेट गवर्नमेंट को ताकि वो अपने स्टेट्स के अंदर एमएसएमई को प्रमोट कर सके, ठीक है। बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या थे इसको बनाने के। पहला, डिजाइन पॉलिसीज एंड फैसिलिटेट्स प्रोग्राम्स टू असिस्ट एमएसएमई, मतलब ये मिनिस्ट्री इससे बनाई गई ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम पॉलिसीज बना सके और जितने भी अलग अलग प्रोग्राम्स हैं वो बनाए जा सके जिससे कि एमएसएमईज की ग्रोथ को फॉस्टर किया जा सके, ठीक है। एंश्योर एडिकेसी ऑफ क्रेडिट, देखो जो बड़े लार्ज के इंडस्ट्रीज होती हैं उनके पास तो पैसा बहुत होता है, उनके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनका एक्सेस टू कैपिटल मार्केट भी होता है, बट जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती हैं इनमें छोटी मोटी बिल्कुल छोटी, आप अपने घर के आस पास जो इंडस्ट्रीज देखते हो ना वो सभी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज का पार्ट होती हैं। तो ये जो आपकी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं इनमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है वो होती है क्रेडिट की, तो ताकि उनको क्रेडिट की प्रॉब्लम ना हो इसलिए इस मिनिस्ट्री को एस्टैब्लिश किया गया।
नेक्स्ट सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, जितने भी ये MSMEs है मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, इनको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन दिलाना, ठीक है, इनका एक्सपोजर देना किसके टूवर्ड्स, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, सो दैट ये भी अपने अर्निंग्स को बढ़ा सके, ठीक है। नेक्स्ट फैसिलिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बढ़ाना, मतलब मॉडर्न इक्विपमेंट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को, वही पॉइंट है आपके पास। नेक्स्ट असिस्टेंस फॉर बेटर एक्सेस टू डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है, आगे आपको समझ में आएगा कैसे, ठीक है। जो भाई एक छोटा सा फार्मर समझो आप, खैर एग्रीकल्चर को इससे दूर रखा जाता है, कोई मान लो आप कोई भी वेंडर है ना जो आपके आसपास गलियों में कोई भी सामान जूते चप्पल घूम घूम के बेच रहा है, सपोज एक इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, ज़्यादातर ये काम अनस्किल्ड लोग करते हैं, तो इनको मार्केट की इन्फॉर्मेशन देना प्लस इनको साथ साथ डोमेस्टिक के साथ साथ ऐसे गुड्स और ऐसे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देना जिससे कि उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करके ये भी थोड़ी अर्निंग कर सकें। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है मिनिस्ट्री के बारे में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब पहले एक बात समझ लेते हैं कि जो पहले का क्राइटेरिया था एमएसएमई का वो क्राइटेरिया क्या था, ठीक है, और हम ये समझ लेते हैं कि किस हिसाब से माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास टॉपिक है माइक्रो एंटरप्राइजेस, अगर मैं माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करूँ तो कॉबलर आसपास जो आपके घर के मोची होते हैं, आइसक्रीम पार्लर जो होते हैं, जूस मेकर एक्सेट्रा, ये सारे क्या, ये सारे आपके पास आ जाते हैं माइक्रो में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी हो सकते हैं, ऑपरेट्स लेस देन 10 पीपल, इनका जो जनरली ऑपरेशन रहेगा मतलब कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यूज करेंगे, ये जनरली 10 से कम लोग रहते हैं ये, ठीक है। इसके बाद जनरली अनस्किल्ड, जो अभी हम बात ही कर रहे थे, ऑब्वियसली बात है कि कोई जूस बनाने के लिए या किसी तक कॉबलर होने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग से जाके नहीं गुजरता, तो इसकी वजह से इनके अंदर जो जनरली लोग आपको मिलेंगे वो अनस्किल्ड होते हैं। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देख लेते हैं अब फ्रेंड्स, एक चीज आपने जो बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको पता ही होगा कि हमारे पास तीन सेक्टर्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके, तीन सेक्टर हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। जो एमएसएमई है वो एग्रीकल्चर को इसका पार्ट नहीं मानती, मींस प्राइमरी इंडस्ट्री एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंगली चीज़ों को कवर नहीं करता, एमएसएमई का एक्ट प्राइमरी इंडस्ट्रीज को कवर नहीं करता, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर मींस सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे अवेलेबल है, इसलिए उन दोनों की ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। मैं रिपीट करता हूँ, हमारा प्राइमरी सेक्टर एमएसएमई का एक्ट कवर नहीं करता, ठीक है, ओके। अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में बात कर लेता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग आपको पता होगा, वेयर वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज कोई फर्नीचर बनाने वाला हो गया, कोई कंपनी गाड़ियाँ बनाने वाली हो गई, कोई पेपर बना रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल्स खरीद के फिनिश गुड में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, कपड़ा कोई बना रहा है, कोई चेयर बना रहा है, कोई फोन बना रहा है, राइट, ठीक है। लेकिन एक होती है सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस कौन सी है, लाइक मैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, ये इनटेंजिबल होती है, ठीक है। एक चीज आपने याद रखनी है, मैन्युफैक्चरिंग की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो प्लांट एंड मशीनरी पे होती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो इन्वेस्टमेंट आपकी करता है वो किस पे करेगा, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट करेगा प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगा या अपने लिए। लेकिन सर्विस सेक्टर क्या खरीदता है, सर्विस सेक्टर खरीदता है इक्विपमेंट, इसे मशीन की क्या जरूरत, मुझे क्या करना मशीन का, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक अच्छा DSLR कैमरा चाहिए, ठीक है, मुझे एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, ठीक है, और कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए मुझे जिनकी मदद से मैं वीडियोस को बना के एडिटिंग वगैरह कर सकूं, यही तो चाहिए। मशीन का क्या करूंगा, मेरे को ना फोन काटने आ रही लेके आऊंगा मैं, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग की इन्वेस्टमेंट किस पे देखी जाती है, प्लांट एंड मशीनरी पे, और आपकी सर्विस सेक्टर की इक्विपमेंट्स पे। तो ऑब्वियसली बात है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यू नीड मोर कैपिटल, इसलिए इसकी जो लिमिट रखी गई वो कितनी रखी गई, 25 लाख, और इसकी कितनी, 10 लाख। मतलब अगर हम बात करते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस की, तो एमएसएमई के अकॉर्डिंग 2006 के अकॉर्डिंग कितनी इन्वेस्टमेंट देखी जाएगी, 25 लाख और 10 लाख, ठीक है। अब स्मॉल एंटरप्राइजेस को देख लेते हैं, इसमें क्या आती है, कोई लॉ फर्म, कोई भी प्रोफेशनल पर्सन है, या कोई मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, ठीक है, ये हो गया। आप समझते ही हैं, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, ये कितने लेबर से ऑपरेट करता है, 50 पीपल मोर देन इनफ है। अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, यहाँ पे आपको, जैसे अगर मैं अपने काम की बात करता हूँ, अगर हम कोचिंग सेंटर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कुछ एक होगा जो स्टाफ होगा जो पानी पिलाने का काम करेगा, अनस्किल्ड है, लेकिन कुछ टीचर्स वगैरह आएंगे,
तो वो तो स्किल्ड होंगे ना, तो यहाँ पे स्किल्ड अनस्किल्ड ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी नेसेसरी है कि अनस्किल्ड ही होगा, तीनों में स्किल्ड भी मिल सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया जैसी कंट्री में अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है, लोगों के पास जॉब्स नहीं होती, ठीक है, तो वो डिग्री कुछ और लेते हैं और करते कुछ और है। अब इसकी इन्वेस्टमेंट देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कितनी है, 25 लाख, ठीक है, और बट लेस देन 5 करोड़, मतलब 25 लाख से ज्यादा, क्योंकि 25 लाख तो किसकी है, माइक्रो की, तो ऑफकोर्स इसकी 25 लाख से ज्यादा और 5 करोड़ से कम। और सर्विस सेक्टर की लिमिट कितनी है, 10 लाख, क्योंकि ये कहाँ पे खत्म था, 10 लाख पे, तो ये शुरू कहाँ से, 10 लाख पे, खत्म कहाँ पे, 2 करोड़, ठीक है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड ज्यादा नहीं है। मीडियम एंटरप्राइजेस देखते हैं, आप एलईडी लाइट मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ठीक है, आप अपने आसपास कोई लेदर शूज मैन्युफैक्चरिंग करते हो, बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो, घड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ठीक है, आप बहुत से आसपास, आप मैं कहता हूँ जितने भी बिजनेस अपने आसपास देखते हो वो सारे के सारे इन्हीं तीनों कैटेगरी के हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हम कहाँ अंबानी वगैरह की इंडस्ट्रीज की को देखते हैं, ज़्यादा ऑपरेट अप टू 250 एम्प्लॉयज, ये 250 एम्प्लॉयज के साथ काम करते हैं और तीनों तरह के इसमें लेबर हो सकते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट की, तो देखो ये कहाँ खत्म हुआ था, 5 करोड़, तो ये कहाँ शुरू होगा, 5 करोड़, तो इनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से है, 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम। सर्विस सेक्टर को देखें तो इसकी इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से ज्यादा बट 5 करोड़ से कम, तो ये आपका मीडियम। तो ये आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि MSMED एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग क्या रूल्स थे, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, ये आपके सामने पूरा स्लाइड है जो ये आपको बताएगा कि एडवांटेजेस क्या है और इसका किसी भी इकोनॉमी के रोल क्या है। तो पहला देखो इक्विटी ओरिएंटेड, इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब क्या है, आपने देखा कितनी कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है, अब अगर क्योंकि ये कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है तो कोई भी इसे स्टार्ट कर सकता है, मतलब सबको ये इक्विटी देता है, मीन्स इक्वालिटी देता है कि कोई भी स्टार्ट कर लो क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फिर लेबर इंटेंसिव, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होता है तो लेबर इंटेंसिव होने की वजह से इट्स बी लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब जो हम बात करते हैं एमएसएमई की, यहाँ पे ज्यादा काम लेबर से होता है, तो क्योंकि लेबर से ज्यादा काम है तो इसका मतलब एक कंट्री को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देगा। अब देखो यहाँ पे एक स्टैट की बात कर लेते हैं, अगर हम कंट्री के एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात करें इंडिया के, तो इंडिया का 69% होल्ड करता है एमएसएमई, तो आपके सामने 69% एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का हिस्सा इसके पास है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। देखो अगर आप एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करोगे फ्रेंड्स, तो आप हर चीज को देखोगे, मार्केट के पास होनी हो, रॉ मटेरियल कितनी इजीली आएगा, मैं अपने प्रोडक्ट को बेचूंगा तो कितना इजीली मार्केट तक पहुंच पाएगा, हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। लेकिन व्हाट इफ हम एक छोटी मोटी इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी कम है, हमें इतनी ज्यादा कोई रॉ मटेरियल्स नहीं चाहिए, इतना ज्यादा हमको कोई मार्केट के एक्सेसिबिलिटी नहीं चाहिए, बस काम स्टार्ट होना चाहिए, इससे ये लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटीज भी देता है, जिसका मतलब ये है कि ये हर एक एरिया रीजनल डिस्पैरिटीज को रिमूव करता है, रीजनल इक्वालिटी प्रमोट करता है, जैसे यहाँ पे हर पर्सन कर सकता है वैसे हर एरिया में, मतलब रूरल में भी और अर्बन में भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा बात इंपॉर्टेंट आपको देखिए, आपको पता है इंडिया जैसी कंट्री के अंदर आज भी मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो रूरल या फिर सेमी रूरल एरिया में रहती है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की वजह से आप प्रमोशन नहीं कर सकते उन एरियाज का, तो उनको डिपेंडेंस किस पे है, उनकी डिपेंडेंस ऑफ कोर्स किस पे रहेगी, आपके एमएसएमईस पे रहेगी। अब इसका इकोनॉमी में रोल, अब आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 8%, 2.9 ट्रिलियन की आपका जीडीपी है, $2.9 ट्रिलियन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जीडीपी के बारे में तो ऊपर आए लिंक है आपके पास, उसको देखे, वहां पे जीडीपी कंट्रीब्यूशन मैंने हर सेक्टर का बताया है, तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है 8%, तो $2.9 ट्रिलियन का 8% जीडीपी, आप सोच सकते हैं बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है। अभी आपको पता होगा जो गवर्नमेंट रिलीफ पैकेज अभी 17th को इंट्रोड्यूस करेगी, उसमें उन्होंने कहा है कि 20 लाख करोड़ का हम रिलीफ फंड पैकेज रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट है हमारे जीडीपी का 10%, तो 10% 20 लाख करोड़ है, तो सोचो 8% कम तो नहीं होगा, सिर्फ 2% का डिफरेंस है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसका 40% पार्ट कहाँ से है, 40% पार्ट एमएसएमईज दे रहे हैं, ठीक है। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में टोटल होती है उसमें 45% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ से आती है, एमएसएमई से। सो आई थिंक अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि एमएसएमईज क्यों इतने सिग्निफिकेंट है। और देखो दोनों तरफ से, यहाँ से रोल पता चलता है, यहाँ से उसके फायदे कि क्या क्या फायदे हैं उसके, हर पर्सन स्टार्ट कर सकता है, लेबर डिपेंडेंस ज्यादा है, तो ये चीज है।
आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। हाँ जी, ये कुछ बेनिफिट्स देखे हैं मैंने एमएसएमई के, जो मैंने आपसे कहा था कि गवर्नमेंट क्या बेनिफिट देती है। ठीक है, पहला बेनिफिट देखो, यहाँ पे बैंक लोन आपको मिलता है अप टू 20 लाख का बिना कोलेटरल के। आप अभी कोई भी लोन लेने जाओ, वो कहेंगे अपना घर दो, सोना दो, ये दो, वो दो। एमएसएमई को स्टार्ट करने के लिए जिनके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के बाद आपको 20 लाख तक के लोन मिल सकते हैं बिना किसी कोलेटरल के। ठीक है, आपको पता होगा हम पेटेंट करवाते हैं, मतलब कोई अपना लोगो, जैसे मेरा अपना चैनल इकोनॉमिक्स है, इसका लोगो मैं पेटेंट करवाने जाऊं, तो वो लोगो जब मैं पेटेंट कराने जाऊंगा तो उसके लिए मुझे चार्जेस देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको 50% चार्जेस देने पड़ते हैं, दैट्स इट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है, आप अपना सर्टिफिकेशन दे करके अपने कंसर्न इलेक्ट्रिसिटी जो भी डिपार्टमेंट है उससे वेव ऑफ ले सकते हो, मतलब आपको वहां पे भी एक ह्यूज अमाउंट पे सब्सिडी मिल जाती है। फिर आईएसओ आपको पता होगा फ्रेंड्स, ठीक है, आईएसओ आपको पता होगा, हमारी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। तो यहां जब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने सर्टिफिकेशन की, तो उसमें भी हमें क्या मिलती है, रीइंबर्समेंट मिल जाती है। ठीक है, फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सपोज इफ किसी एमएसएमई से किसी बायर ने कोई सामान लिया, अब उसको और पेमेंट करनी पड़ेगी, वो पर्सन सामने वाला कहता है कि जी ये जो आपको मेरे को मान लो फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं 1000 रुपए देने थे, अब आपको 1000 रुपए देने हैं, तो ये 1000 रुपए जो मुझे आपको देने हैं मैं आपको बाद में दूंगा, एक अगर टाइम में वो देता है तो ठीक है, नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हर महीने के हिसाब से चार्ज होता है, और आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से जो नॉर्मल में चार्ज होगा ना उससे 3 गुना ज्यादा उसको उस बायर को देने पड़ेंगे। तो मतलब अगर आप एमएसएमई के पार्ट हो, आपकी पेमेंट डिले हुई, तो गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है आपको। ठीक है, इसके बाद मेनी गवर्नमेंट टेंडर्स विच आर एक्सक्लूसिवली ओपन फॉर एमएसएमई, बहुत सारे गवर्नमेंट के टेंडर्स ऐसे हैं जो कि एक्सक्लूसिवली किसके लिए बनाए जाते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली बनाए जाते हैं एमएसएमई के लिए। इसके अलावा पता है आपको फ्रेंड्स क्या होता है, टैक्स रिबेट्स मिलती हैं। ठीक है, मतलब आपको टैक्स, जैसे एक्साइज है आपका, एक्साइज आपको नहीं पे करना पड़ता, उसको रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आपकी नई कोई एमएसएमई है, आपने नई नई फॉर्म की है, तो इवन आप अपने डायरेक्ट टैक्स, मतलब अपने इनकम टैक्स के अंदर भी उसका बेनिफिट ले सकते हो। सो ये सारे बेनिफिट्स है जो हमारी गवर्नमेंट हमें देती है जब हम एमएसएमई का पार्ट होते हैं, मतलब जब हम कोई भी एमएसएमई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये था पहले का, मतलब जो 2006 का हमारा एक्ट था, उस 2006 के एक्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट्स की, तो मैंने आपको बता दिया कितना आपका मैन्युफैक्चरिंग में कितना 25 लाख, और स्मॉल के लिए 5 करोड़, मीडियम के लिए 10 करोड़। ठीक है, और आपका सर्विसेज के लिए कितना 10 लाख, स्मॉल के लिए 2 करोड़, मीडियम के लिए 5 करोड़। ठीक है, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही जस्ट क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस वाले को अबॉलिश किया और नए को प्रपोज किया है। लेट्स हैव अ लुक कि जो नया है वो क्या है। सो हियर इट इज, अगर हम नए की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चेंज जो नए में आया है, पहले तक जो क्राइटेरिया था एमएसएमई का वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बेस्ड था, अब जो क्राइटेरिया है वो इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर बेस्ड हो गया है। प्लस पहले वाले में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को दो अलग पार्ट माना गया था, अब दोनों को एक ही कर दिया गया है। मतलब अब गवर्नमेंट कह रही है कि कोई डिफरेंस नहीं है मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, एक ही क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है, देखो इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए 1 करोड़, और टर्नओवर भी चाहिए साथ में कितने का 5 करोड़ का। पहले देखो लिमिट कितनी थी माइक्रो की, सिर्फ 25 लाख, अब इस इन्वेस्ट को रिवाइज करके कितना कर दिया 1 करोड़, लेकिन टर्नओवर भी साथ में जोड़ देगा 25 करोड़ का। ठीक है, स्मॉल की लिमिट कितनी थी 5 करोड़, लेकिन अब इसको रिवाइज करके कितना कर देगा 10 करोड़, साथ में कितना कर दिया गया 50 करोड़ टर्नओवर। ठीक है फ्रेंड्स, टर्नओवर क्या होता है, एक साल में जितनी भी आप सेल्स करते हो उसे हम आपका टर्नओवर कहते हैं। सपोज इफली मैं मान लो अपना कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, मैं ये इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, मैंने टोटल फीस एक साल में जो बच्चों से कलेक्ट की एक साल के अंदर वो करी मान लो 50 लाख रुपए, तो ये 50 लाख जो टोटल मैंने कलेक्ट किया बच्चों से, इसे टर्नओवर कहते हैं। ठीक है, टोटल सेल्स जो आप करते हो एक साल में उसे टर्नओवर कहा जाता है। तो 50 करोड़, मीडियम में कितना इन्वेस्टमेंट था पहले 10 करोड़, अब रिवाइज करके कितना हो गया 20 करोड़, और टर्नओवर कितना हो गया 100 करोड़। तो ये जो है नई डेफिनेशन आई है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस की थी 13th of May 2020 को। अब एक चीज आपने नोटिस करनी है कि वैसे तो ठीक है जो चेंजेस आए हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो एक चेयरमैन है किसके, जो आपका लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल है उसके चेयरमैन है, ठीक है, जिनका नाम है पुरन दवा। ठीक है,
पुरंदवार के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा है कि जो नया रूल आया ना वो कुछ कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है आप ये समझो, कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो ये 20 करोड़ वाला आपने क्राइटेरिया रखा, तो अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जिसका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का है उसका टर्नओवर तो 500 करोड़ तक भी जा सकता है। पॉसिबिलिटी है कि 20 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म होगी उसका टर्नओवर 500 करोड़ का जा सकता है, लेकिन इसको कितने में कैप कर दिया गया, इसको कैप कर दिया गया सिर्फ 100 करोड़ से। तो इसलिए क्या हो जा रहा है कि थोड़ा सा जो है क्या है वो कंफ्यूजिंग भी है कि मतलब क्या सिस्टम को सोच करके निकाला। फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज समझ में आता था, अब आपने दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। सबकी कुछ पॉजिटिव साइड भी आ रहे हैं क्योंकि आपने क्या किया इसकी लिमिट को थोड़ा बढ़ाया है, तो ये आपके नए चेंजेस है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की कि क्यों कंपनी इस पे अपने आप को शिफ्ट करना चाहती है। तो हाँ जी, कंपनीज क्यों शिफ्ट करना चाहती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होगा मैंने आपको सारे बेनिफिट बताया। अगर आप अपने आप को एमएसएमई शिफ्ट करते हो तो आपको सब्सिडी मिल सकती है, प्लस सब्सिडी के साथ आपकी पेमेंट डिलेट जो होंगी उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, प्लस टैक्स का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये सारे कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं, और जैसे मैंने आपको जितने भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स बताए उन सारे बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जितने भी फर्म्स हैं वो चाहेंगे कि वो एमएसएमई के अंडर आ जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उन्हें क्या मिले, फायदा मिले, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं आई होप आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होंगी, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।